ये बात तो हम सब जानते हैं कि मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है, लेकिन इस हकीकत से बहुत कम लोग वाकिफ हैं कि मारखोर की एक मरगूब गिज़ा पहाड़ों और चट्टानों में पाए जाने वाले जहरीले सांप भी हैं, और इसीलिए इसे मारखोर या सांप खाने वाला पहाड़ी बकरा भी कहा जाता है। इसीलिए मारखोर को पाकिस्तान की सबसे तगड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI का निशान भी करार दिया गया है। यानी ISI ऐसी एजेंसी है जो कि रियासत पाकिस्तान के जहरीले दुश्मनों को चबाकर खा जाती है। हमारा कौमी जानवर मारखोर दुनिया में जानवरों की नायाब तरीन नौ है, जो कि हमालिया, कराक्रम, गिलगित बल्तिस्तान, हिंदुकुश और कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में पाया जाता है। मारखोर को ये एजाज़ हासिल है कि ये उन 72 जानवरों में शामिल है जिनकी तस्वीर आलमी तंजीम बराए जंगली हयात के सन 1976 में जारी करदा खसूसी सिक्का जात के मजमू में शामिल है। जंगली बकरे की खसूसियात का हामिल यह खूबसूरत जानवर गिलगित बल्तिस्तान की ठंडी फिजाओं के अलावा कश्मीर, चित्राल और कैलाश की सरसब्ज वादियों में पाया जाता है। पाकिस्तान के अलावा यह कीमती और कामयाब नौ भारत, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के कुछ इलाकों में भी पाई जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में बालिग मारखोर की तादाद 2500 से भी कम है। मारखोर पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद करता है और 600 से 3600 मीटर की बुलंदी तक पाया जा सकता है। इसके कदोकामत में नुमाया इसके मजबूत और मुड़े हुए सींग हैं, जिनकी लंबाई 143 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जबकि इसका वजन 104 किलोग्राम तक होता है और ऊंचाई 102 सेंटीमीटर हो सकती है। मारखोर फारसी के अल्फाज का मजमूआ है, जिसमें मार के मैनी सांप और खोर के मैनी है खाने वाला। मुकामी लोक कहानियों के मुताबिक मारखोर सांप को मारकर उसको चबा जाता है और उस जुगाली के नतीजे में इसके मुंह से झाग निकलता है जो नीचे गिरकर खुश्क और सख्त हो जाता है, जिसे फिर सांप के काटने पर तरियाक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये भी सच है कि पाकिस्तान के कौमी जानवर मारखोर की नस्ल को मदूमी के खतरे का सामना है। मारखोर जंगली बकरे की किस्म का एक पहाड़ी चरिंदा है। इस वक्त दुनिया भर में इसकी 5 इकसाम हैं, जिनमें से 3 इकसाम पाकिस्तान में पाई जाती हैं, जिन्हें सुलेमान मारखोर, कश्मीर मारखोर और अस्तूर मारखोर कहा जाता है। रावलपिंडी में कायम जंगली हयात के तहफ्फुज़ के इदारे ज़ू सफारी के मैनेजिंग डायरेक्टर अली शाह कहते हैं कि मुकामी कम्युनिटी मारखोर को इसके गोश्त की वजह से शिकार करती है, जबकि बैन अल-अक़वामी शिकारी इसका शिकार सींगों की वजह से करते हैं, जिनकी लंबाई 4 फीट के लगभग होती है और वो इनके लिए ट्रॉफी की हैसियत रखते हैं, जिसकी वजह से मारखोर पाकिस्तान में मादूमियत के खतरात से दोचार है। जोन सफारी के मैनेजिंग डायरेक्टर अली शाह कहते हैं कि जब शिकार की कसरत की वजह से मारखोर की नस्ल मिटने के खतरात में इजाफा हुआ तो हुकूमत पाकिस्तान ने इसके तहफ्फुज़ के लिए सन 1997 में एक मुनफरिद किस्म का प्रोग्राम मारखोर ट्रॉफी हंटिंग के नाम से शुरू किया। अली शाह का अपना इदारा भी नायाब जानवरों की गैरकानूनी तजारत के खात्मे और इनके तहफ्फुज़ के लिए हुकूमत की मुआवनत करता है। मारखोर के महदूद तादाद में शिकार के परमट पर हासिल होने वाले महसूलात का 20% जंगली हयात के शोबे को और बाकी 80% मुकामी कम्युनिटीज़ को दिया जाता है। मुकामी कम्युनिटीज़ में इस प्रोग्राम के तहत विलेज कंजर्वेशन कमेटियाँ कायम की गई हैं, जो इस रकम को मुकामी आबादी की सेहत, तालीम, निकासियाब या अवामी फलाह बहबूद के किसी भी मनसूबे पर खर्च कर सकती हैं। मारखोर ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम की कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस प्रोग्राम की वजह से मारखोर की तादाद में इजाफा हो रहा है और मादूमी के खतरात का सामना करने वाला एक कीमती जानवर अब न सिर्फ अपनी नस्ल के तहफ़ के लिए खुद वसाइल फ्राहम कर रहा है, बल्कि तहफ़ करने वाली मुकामी कम्यूनिटीज़ को अपनी ज़िंदियाँ बेहतर बनाने के लिए माली वसाइल का ज़रिया भी बन रहा है। इस प्रोग्राम के आगाज़ के बाद से चित्राल में जहां मारखोरों की तादाद सिमट कर 300 से 700 के दरमियान रह गई थी, अब 4000 से बढ़ चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान में अब मारखोरों की तादाद का तखमीना 1800 है, जबकि बलोचिस्तान में भी इनकी तादाद में नुमाया बेहतरी आ गई है, जिस वजह से इसका दर्जा इंतहाई नायाब जानवर से घटाकर नायाब जानवर कर दिया गया है। यूट्यूब पर गूगली न्यूज देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।